नमस्कार, मेरा नाम अतुल है और आज हम न्यूज़क्लिक पे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो सीज फायर अनाउंस हुआ है उस सिलसिले में बात करेंगे। हमारे साथ न्यूज़क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रवीर प्रकाश्ता हैं। प्रवीर, जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह ही जो है सीज फायर अनाउंस हुआ है। हम जब भारत में सुबह उठ के न्यूज़ देखे तो हमने देखा कि सीज फायर अनाउंस हो गया है इसराइल और फिलिस्तीन के बीच। हम पिछले 2 हफ्तों से हम देख रहे थे कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच किस तरीके की बॉम्बार्डमेंट हो रही थी, लोगों की जाने जा रही थी, प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा था, बच्चों की मौत हो रही थी दोनों तरफ से। लेकिन हम जानते हैं कि फिलिस्तीन को ज्यादा नुकसान हुआ है। इसराइल के भी कुछ रिपोर्ट्स हैं कि उनके 12, 13, 15 लोग वहां पे भी जो है मारे गए हैं। उसी सिलसिले को लेके मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या ये जो सीज फायर अनाउंस हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं इसराइल के संदर्भ में? इसराइल इसको कैसे लेगा? क्या ये उनके लिए एक चोट है या किसी तरीके से शांति प्रक्रिया शुरू हो सकती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि गाजा पे जो बमबारी था इसराइल की, ये तीसरे बार उन्होंने इस बड़े पैमाने पे किया है। बीच में और भी किए हैं, पर ये तीन बड़े बड़े आक्रमण रहे हैं, जो 2008 में था, 2014 में था, और तीसरी बार है स्केल पे जो हुआ है। जब 2006-07 में ये गाजा छोड़ के चले गए थे, इसके बाद 2008 में इन्हें अटैक किया था, गाजा पर बमबारी की थी, बड़े पैमाने पे अंदर भी आए थे। 2014 में बमबारी की और अंदर भी आए, इसके बीच में भी बमबारी करते रहे, पर आक्रमण इस तरीके से नहीं था। तीसरी बार है इस बड़े पैमाने पे आक्रमण गाजा पर रहा है। अगर दोनों की भारसम में देखे, इक्विलिब्रियम देखे, गाजा में 20 लाख लोग रहते हैं, जबकि यहाँ पर इसराइल में आपके 70 लाख लोग हैं। इसराइल सबसे इस इलाके में, वेस्ट एशिया में, सबसे अस्त्रों से सुसज्जित देश है। सबसे ज्यादा इनके पास अस्त्र है, न्यूक्लियर वेपन्स भी है, और लगातार इनको अमेरिका अस्त्र सप्लाई करते रहते हैं। इस बमबारी के बाद भी इमीडिएटली अमेरिका ने इनको और अस्त्र सप्लाई किए हैं। तो ये कोई बराबरी बराबर की लड़ाई नहीं है, और गाजा अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक इंडिपेंडेंट देश भी नहीं है। फिलिस्तीन की ज्यादा हिस्सा ऑक्यूपेशन में है, वेस्ट बैंक पूरी तरह से ऑक्यूपेशन में है, और इस बार जो फिलिस्तीनी लोग इसराइल, जिसे इसराइल प्रॉपर कह सकते हैं, उसके अंदर रहते हैं, उन पर भी अटैक्स हुए हैं। तो ये एक व्यापक जो स्थिति है पैलेस्टीन की स्वतंत्रता को लेके, वो गाजा की इस लड़ाई से अब फिर दुनिया के सामने आ गई है। तो ये बहुत दिन से कोशिश रही है कि इसको सवाल ही न किया जाए, सवाल ही न रखा जाए, सवाल फिर से खड़ा हुआ है इस लड़ाई के बाद। मैं, आप जो पूछ रहे थे, इस लड़ाई का नतीजा क्या हुआ? नतीजा कुछ होने वाला इस तरह से नहीं था, क्योंकि इसराइल अब गाजा में घुसने से डरते हैं। पिछले बार जब घुसे थे, पहली बार बड़े पैमाने पे उनकी भी सोल्जर्स की जाने गई थी, कमांडर्स की जाने गई थी, तो पहली बार उनको लगा कि गाजा में खुद घुसना इतना आसान नहीं है। जो पहले घुस के मार के चले आते थे, वो दोबारा नहीं कर सकते। इस बार भी काफी उन्होंने प्रचार किया था कि हम घुसने वाले हैं, पर लगा कि ये प्रचार ही था और एक्चुअली घुसने की तैयारी ये नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता है कि घुसने पे गाजा की बड़ी गलियां, वहाँ की जो है, जिस तरह से नीचे टनल्स है, जिस तरह से हमास इस इलाके को जानता है, क्योंकि अपनी डेरा है ये, तो वहाँ उन इनकी जो लड़ाई होगी, क्लोज क्वार्टर्स की जो लड़ाई है, दोनों साइड की नुकसान होगी। तो इसीलिए इसराइल को लगा कि अंदर घुसना संभव नहीं है। पहली बार ये गाजा की जो रॉकेट्स है, जिसकी दूरी, रेंज जो है, 5-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, इस बार तेल अवीव में पहुंच गया, 150 किलोमीटर दूर है, और इसराइल के दूसरे कोने 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 तक भी ये पहुंचा है। तो ये एक सिग्नल है कि सिर्फ गाजा ही की बमबारी ही नहीं होगी, उनकी गाजा के आसपास फिलिस्तीनी इसराइली इलाकों का नहीं होगी, पर उनकी जो शहरें हैं,
जो बड़े शहर हैं उनके ऊपर भी बमबारी करने की क्षमता गाजा में जो लोग रहते हैं उनके पास ये शक्ति है। तो रॉकेट्स के रेंज बढ़ जाने से एक, मैं नहीं कहूँगा कि इक्वल हो गया गाजा, कतई नहीं, इसराइल इनसे 100 गुना ज़्यादा शक्ति रखता है, पर एक तरफ से इक्वेशन में एक अदला बदली हुई है कि गाजा भी नुकसान पहुंचा सकता है इसराइल के अंदर। और अगर कोई इंडस्ट्री को हिट किया, फर्टिलाइजर प्लांट को हिट किया, ये तो खुदा ना खास्ता, अगर उनका दमोना न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको हिट किया, तो खतरनाक स्थिति इसराइल के अंदर हो सकती है। तो ये एक संकेत है, अभी भी रेंज इनकी रॉकेट्स की बढ़ा है, रॉकेट्स की संख्या बढ़ा है, और इनकी आयरन डोम जिससे कहते हैं कि वो जितने रॉकेट्स आते हैं उसको शिकार कर सकते हैं, वो देखा गया है 90% रॉकेट्स को रोक पाया, 10% फिर भी जाके एक्चुअली तेल अवीव या तो दूसरे शहरों में पहुंचा। तो ये जो है इस पे और भी भविष्य में अदला बदली हो सकती है, बदलाव हो सकती है, क्योंकि इसमें अगर वो गाइडेंस की जो चीज़ें हैं उसको जोड़ दे, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में नहीं है, ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत सारे छोटे छोटे देश भी कर सकते हैं। हम यमन में देख रहे हैं, यमनी शक्तियाँ जो है हूतीस, उन्होंने भी काफ़ी एडवांस ड्रोन्स बना चुके हैं, मिसाइल्स बना चुके हैं, तो ये बनाना बहुत दिक्कत की बात आज के जमाने में नहीं है। और अगर इन्होंने गाइडेंस इसमें ऐड किया तो इसराइल के लिए और भी खतरनाक हो सकता है। तो बराबरी के टक्कर न होने के बावजूद अनइक्वल बैटल में भी एक गाजा इस बार दिखाया है कि इसराइल को क्षति पहुंचाने की पोटेंशियल उसके अंदर है, और ये पोटेंशियल आगे के दिन में और भी बढ़ेगा। तो एक जो सवाल फिलिस्तीन को पैलेस्टाइन को लेके है कि पैलेस्टाइन सवाल खत्म हो गया, पैलेस्टाइन ने अपना गुलामी मान लिया, अब्राहम अकॉर्ड हो गया और कुछ नहीं है, इस लड़ाई से पैलेस्टाइन का सवाल दुनिया के सामने फिर खड़ा हो गया। प्रवीर, इसी से जुड़ा जो है कि मैं चाहता हूं कि आप हमारे न्यूज़लिक के दर्शकों को एक सवाल और है, वो सवाल है कि आप जानते हैं कि जब फिलिस्तीन और इसराइल के बीच जो विवाद है, ये इस पूरे मिडिल ईस्ट के का जो क्षेत्र है, जो रीजन है, उसमें काफ़ी जो है डिस्टर्बेंसेस या शांति प्रक्रिया कभी टेंशंस जो है क्रिएट करता है, आप इस पूरे सीज फायर को कैसे देखते हैं? ये वो भी तब जब आप जानते हैं कि पिछले 1-2 सालों में हमने देखा है कि इसराइल के साथ जो यूएस है या उनके जो अलायंस कंट्रीज हैं या उनके साथ जो खड़े होते हैं इस क्षेत्र में, जैसे यूएई या सऊदी अरब, उन लोगों के साथ काफी जो है डील्स या एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो आपको क्या लगता है इस सीज फायर का क्या जो है पूरा का पूरा स्कोप क्या है, या इस रीजन को लेके क्या एक इफेक्ट या आफ्टर इफेक्ट जो भी होगा उसको कैसे देखते हैं आप? देखिये, इसी का जिक्र मैं कर रहा था, अब्राहम अकॉर्ड्स की और वेस्ट एशिया, मैं इसको मिडिल ईस्ट नहीं कहूंगा, मिडिल ईस्ट तो हमारे लिए नहीं है, वो सिर्फ यूरोप और अमेरिका के लिए है, हमारे लिए तो वेस्ट एशिया ही है। तो अगर इस वेस्ट एशिया की अगर मानचित्र आप देखें तो आप देखेंगे इसराइल एक बहुत छोटा सा मुल्क है, पर क्योंकि उसकी पूरी वेस्टर्न बैकिंग है, नेटो की बैकिंग है, तो इसीलिए अमेरिका की पैसा है उसके पीछे, अमेरिका पूरा सब्सिडाइज करती है, हर साल $4 बिलियन की तोहफा जो है इसराइल को मिलता है, आर्म्स मिलता है, जितने एडवांस चीज़ें हैं उसको मिलता है, तो उस पर उसके वजह से इसराइल के मिलिट्री दबदबा इस रीजन पे है। पहली बार हम देख रहे हैं कि दूसरे मुल्कों में पैलेस्टाइन के इशू बहुत दिन के बाद, पहली बार इसी लेकर कि बहुत दिन के बाद फिर उभर के आया है, और ख़ास तौर से जेरूसलम को लेके ये शुरू हुआ है। इस जेरूसलम में जहाँ पर शेख जराह जो एक जगह है, वहाँ पर एथनिक क्लेंसिंग जिसे कहते हैं कि यहूदियों ने वहाँ पर अरब पैलेस्टीनियन लोगों को वहाँ से निकाल रहे थे, मकान से उनके मकान पे कब्जा कर रहे थे, इसके वजह से असंतोष था, और इसका असंतोष का प्रोटेस्ट जो था इसके ऊपर इन्होंने इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस और उनकी राइट विंग मिलके अल अक्सा, जो कि तीसरे सबसे इम्पॉर्टेंट इस्लामिक होली स्पॉट है जिसे कह सकते हैं, उस पर उन्होंने हमला किया, सिक्योरिटी फोर्सेस हमला किया और इनकी जो राइट विंग फोर्सेस है हमला किया, और इस हमले के बाद
जेरूसलम की जो एथनिक क्लेंसिंग, अब जेरूसलम पर जिस तरह से अटैक हो रहे थे पैलेस्टीनियंस पर, इसको लेके जो असंतोष था, गाजा ने इसको व्यक्त किया रॉकेट्स जो है बमबारी करके। शुरुआत इस तरह से यहाँ हुआ था, पर शुरुआत गाजा ने नहीं किया था, जेरूसलम से शुरू हुआ था और पैलेस्टाइन का अंग है गाजा। तो ये गाजा के एक अलग राजनीतिक शक्ल न देखे, ये पैलेस्टाइन का अंग है। हमास जो गाजा की इस वक्त लीडरशिप में है वो पैलेस्टाइन में भी काफ़ी मौजूद है। तो एक तो ये इशू है कि पैलेस्टाइन के अंदर पैलेस्टीनियन लोगों ने इस प्रोटेस्ट को किया, और जो इसराइल के अंदर जो यहूदी पॉपुलेशन के दबदबा है वहाँ पर भी 20% पैलेस्टीनियंस है, उन्होंने भी इस बार प्रोटेस्ट किया और उन पर भी अटैक हुए, क्योंकि उनकी सिटीजनशिप रहते हुए उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है इक्वालिटी की दर्जा उनको नहीं दिया जाता। तो पैलेस्टीनियंस ने इस बार प्रोटेस्ट से वेस्ट एशिया में के सामने, मुल्कों के सामने ये सवाल खड़ा किया कि आप इसके मालिक नहीं हो, शांति के मालिक हम हैं। जब तक पैलेस्टाइन को आज़ादी नहीं मिलेगी, पैलेस्टाइन का सवाल इस दुनिया से जाने वाला नहीं है। और क्योंकि टू स्टेट सोल्यूशन जिसकी पहले चर्चा थी वो ख़त्म हो गया है लगभग, क्योंकि इन्होंने जो जो चीज़ें टू स्टेट सोल्यूशन में होना था वो नहीं किया, लगातार सेटलमेंट्स बढ़ाते गए। तो इसराइल की जो एक वन स्टेट सोल्यूशन की ओर जा रहा है, उस एकदम अपार्थाइड स्टेट जिसे कहते वही उसका स्वरूप निकलने वाला है। और यह चीज को नजरअंदाज करके जो वेस्ट एशियन मुल्कों और कुछ इजिप्ट ये सब भी इसमें शामिल थे जो कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश कामयाब नहीं है, क्योंकि पैलेस्टाइन के सवाल जाने वाला नहीं है। एक पराधीन मुल्क क्या 21वीं सदी में बरकरार रखा जा सकता है, ये सवाल उन्होंने दुनिया के सामने रखा और खास तौर से वेस्ट एशियन मुल्कों के सामने रखा, जो सोच रहे थे कि शायद ये सवाल ख़त्म हो गया, हम इसको नॉर्मलाइज करके अपने रास्ते चलेंगे। ये सवाल ख़त्म हो गया, और इसके साथ साथ वेस्ट एशिया के अंदर जो और ताकतें हैं वो भी इस चीज में आ गए। तुर्की है, ईरान है, ये आपको देखना पड़ेगा। जो आपने कहा कि सीज फायर हो गया है, ये सीज फायर भी इजिप्ट ने करवाया, ये ऐसा नहीं कि अमेरिका ने करवाया या नेटो के ताकतें आके करवाया, उनको इजिप्ट को शरण लेना पड़ा इस सीज फायर करने के लिए। तो यह चीज धीरे धीरे आ रहा है कि वेस्ट एशियन मुल्कों की ये पैलेस्टाइन का सवाल का सामना करना पड़ेगा, और इस सवाल एक रीजनल सवाल भी है, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सवाल नहीं है। अमेरिका की सिर्फ अगुवाई में ये इस वेस्ट एशिया के राजनीतिक निर्धारित नहीं होगी, ये घोषणा भी पैलेस्टीनियंस ने कर दिया। इस जो प्रोटेस्ट उन्होंने किया वेस्ट बैंक में, जो प्रोटेस्ट उसने इसराइल प्रॉपर में किया, और गाजा से जो प्रोटेस्ट आई है, इससे साफ कर दिया कि पैलेस्टाइन के सवाल वेस्ट एशिया के सामने खड़ा है और जाने वाला नहीं है। प्रवीर, इसी से जुड़ा आपसे एक अंतिम सवाल है। आपने हालांकि जिक्र किया था इन दोनों देशों के, इसराइल और पैलेस्टीन के अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को लेके, जब ये सीज फायर है उसी को लेके मैं और समझना चाहता हूँ कि जब ये सीज फायर हो रहा है इसका क्या जो है इम्प्लीकेशंस होगा, या इसका एक महत्व अपने अपने राज्यों में। हम जानते हैं जैसा कि नेतन्याहू जो है वो काफी जो है अनपॉपुलर हो रहे थे अपने देश के अंदर ही, अपने देश के राजनीति के अंदर, लेकिन जब ये सीज फायर हो रहा, हालांकि ये दो हफ्ते का जो पूरा बॉम्बार्डमेंट है उसके उनके तरफ एक सपोर्ट भी देख रहे थे उसी तरीके से फिलिस्तीन में देख रहे थे, अब जो ये सीज फायर है इसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा? आप जो सवाल कर रहे हैं, राजनीतिक इक्विलिब्रियम इसराइल और पैलेस्टीनियंस के अंदर किस तरह से बदला है जंग की वजह से। पहली बात तो है कि पैलेस्टाइन मुल्क कहें ये सही है और एक तरह से सही नहीं भी है, क्योंकि पैलेस्टाइन एक पराधीन मुल्क है, ऑक्यूपेशन में है, और उसको टुकड़े टुकड़े करके वहां पर सेटलमेंट्स बैठा के उनकी जो कंटिगुअस इलाके होते हैं जहां पर सिर्फ पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन ही होना चाहिए था, वो अब नहीं है, टुकड़े टुकड़े करके ऐसी एक स्थिति में पहुंचा दिया है। उसके अगर मानचित्र आप देखें तो उनके गाजा से कोई लिंक है नहीं,
बहुत दिन से, उनको अगर आप देखें तो आपस के अंदर भी, जो वेस्ट बैंक है उसके अंदर भी लिंक्स टुकड़े टुकड़े ऐसे कर दिए गए, लिंक्स नहीं है। तो जिसको कहते थे बंतुस्तान, जो साउथ अफ्रीका की सोच थी, वही यहाँ भी करने की कोशिश है। तो कोई एक सिंगल स्टेट, एक आज़ाद मुल्क पैलेस्टाइन बनने का संभावना इजरायलीज ने खत्म कर दिया। तो ये खत्म करने के बाद किस रास्ते में राजनीति जाएगी, ये सवाल है। एक क्लियर है कि जो यहूदी पॉपुलेशन इसराइल के अंदर है, वहां पर वो 80% पॉपुलेशन उनका है, तो वो जो ही जंग होता है राइट विंग उसका शिफ्ट होता है, और लगातार पिछले जंगों से उनका राइट वर्ड शिफ्ट इस वक्त ऐसा है कि नेतन्याहू और जो एक्सट्रीम राइट फोर्सेस इसराइल के अंदर है वो इकट्ठा मिलके काम कर रहे हैं इस वक्त। तो इस जंग से नेतन्याहू करप्शन चार्ज में फंसे हुए हैं, पिछले 2 साल में उनको मेजॉरिटी नहीं मिली है। लग रहा था कि और ताकतें आके उनको रिप्लेस करेगी, जब इसके जिसके बाद उनकी केसेस शुरू हो जाएंगे कोर्ट में, करप्शन केसेस, पर इस जंग के वजह से लगता है नेतन्याहू फिर बच गए हैं, और यही इस जंग की एक हिडन एजेंडा भी रहा है। पैलेस्टीनियंस की अंदर बहुत दिन से जो राजनीतिक माँ जिसे कहते हैं राजनीतिक लीडरशिप, तो फताह की जो नेतृत्व रही है, मोहम्मद अब्बास जो प्रेसिडेंट है इस वक्त, उनकी लगातार जो विफलता रही है, खास तौर से जिस तरह इन्होंने घुटने टेक दिए हैं इसराइल के सामने, कोई विपक्षी बातचीत करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसके वजह से उनकी इज्जत काफ़ी नीचे है इस वक्त, और उन्होंने पिछले 20 साल यहाँ पर कोई चुनाव नहीं कराया, तो ये भी उनके लिए एक ब्लैक मार्क है कि इस वक्त उन्होंने चुनाव भी पोस्टपोन कर दिया, होने नहीं दिया, इस आधार पे कि ईस्ट जेरूसलम ने इसराइल ने मना कर दिया चुनाव करने में, कहा कि ये तो आपका हिस्सा ही नहीं है। तो उन्होंने जिस दृढ़ता के साथ इसराइल के इन चीज़ों को मुकाबला करना चाहिए, 20 साल में धीरे धीरे जिस तरह से उन्होंने घुटने टेके हैं, उनकी इज्जत काफ़ी नीचे है। फताह के अंदर और कोई लीडरशिप निकल के आएगी या नहीं, देखना पड़ेगा। और यंग जो नेतृत्व पैलेस्टाइन के अंदर उभर के आ रही है, और हमास, क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि हम इस लड़ाई को कर सकते हैं, करना चाहते हैं, गाजा में उनकी ताकत है, पर उनकी ताकत वेस्ट बैंक में भी है। तो ये सब देखते हुए लग रहा है कि पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन के अंदर एक विरोधाभास जो है उसको एक एजिटेशन के तरफ ले जाने की क्षमता इस वक्त लग रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है। और पहली बार हमने देखा ये वेस्ट बैंक ही सिर्फ नहीं, इसराइल प्रॉपर में भी वहाँ की जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है वो 20% वहाँ की है, वो भी सड़क में आने के लिए तैयार है। तो एक यूनिफाइड गाजा, वेस्ट बैंक और इसराइल के अंदर अगर पैलेस्टीनियन विरोध में खड़े होते हैं, तो कितना दूर तक इसका एक अपार्थाइड स्टेट 21st सेंचुरी में चल पाएगा, वो देखना पड़ेगा। पैलेस्टीनियंस अब ये कह रहे हैं कि हम अपना भविष्य खुद लड़ के लेंगे, ये विचार उनके अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और दुनिया के ओर हम नहीं देखेंगे कि वो हमको कैसे आके मदद करेंगे। अमरीका उन्होंने धोखा दिया है, नेटो की जो दूसरे मुल्क हैं उनको उन्होंने धोखा दिया है, तो उन पर अब कोई विश्वास नहीं है। और अरब मुल्क जितने हैं जिन्होंने समझौता किया अब्राहम एकॉर्ड से, उन्होंने साबित कर दिया ये भी एलाइज हमारे हैं नहीं, हमारे मित्र हैं नहीं, इसीलिए हमें खुद लड़ना पड़ेगा। ये निष्कर्ष में मेरे ख्याल से इस बार ये पहुंच चुके हैं, ये पैलेस्टाइन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्रिया प्रवीर आपका इतने डिटेल में हमारे जो है दर्शकों को समझाने के लिए इसराइल और पैलेस्टीन का जो सीज फायर है उस मुद्दे पर। ये तो आगे देखने की बात है कि सीज फायर कहाँ तक, कैसे जो है क्या होगा इसका जो है कि आगे कैसे लेके जाया जाएगा चीज़ों को, क्या चीज़ें ठीक रहेंगी नहीं रहेंगी। पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ क्लिक पे जाएं और सब्सक्राइब करें, हमारे और भी YouTube वीडियोस देखें और हमारे वेबसाइट पे आके
हमारे जो आर्टिकल्स हैं उसको भी पढ़ें। शुक्रिया।